अगर आप चाहते हैं कि फ्री में बिना किसी मेहनत के आपको ढेर सारे प्लांट मिल जाएं, तो बारिश के महीने में आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। बड़े आराम से बारिश के महीने में कटिंग ग्रो हो जाती हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 30 ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जिनको आप अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो बड़े आराम से उनकी कटिंग के समय लगा सकते हैं। क्योंकि आपको प्लांट लगाना तो बहुत आसान, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनको हम कटिंग के थ्रू इस महीने में उगा सकते हैं। मैं कुछ कटिंग अपनी अपने एक फ्रेंड को गिफ्ट करने वाला था, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी एक वीडियो बना करके शेयर कर दिया जाए। कुछ टिप्स बताता हूँ मैं वीडियो शुरू करने के पहले। सबसे पहले आपको 7 से 8 कटिंग इंच की ही कटिंग लेनी है हार्डवुड की। एक तरफ आप राउंड रख सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ जो आपको जमीन के अंदर डालना है वो आपको 45 डिग्री के एंगल से लगाना है। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट इस वीडियो में ऐड कर सकूँ, फिर भी आपकी जानकारी में कोई ऐसा प्लांट है जिसको कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं और इस लिस्ट में नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में सब लोग अपने अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर ऐड करिएगा। अब फटाफट मैं अपनी इस लिस्ट को शुरू कर देता हूँ। ये टेक्सस सेज का प्लांट है। इसे कटिंग के थ्रू आप बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसमें गुलाबी रंग के फूल देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इस पेड़ की खास बात यह है कि जैसे ही बारिश होने वाली होती है तुरंत इस प्लांट में कलियां आती हैं और बारिश के साथ ही साथ में ढेर सारे फूल खिलते हैं। इसमें सिल्वर कलर की पत्ती होती है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। आपके पेड़ में फूल हो या ना हो, इसका पेड़ ही काफ़ी खूबसूरत होता है। इसे कटिंग के थ्रू बारिश में आप बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। ये क्रोटन का प्लांट है। क्रोटन में बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें रंगीन पत्तियां होती हैं और इन्हीं रंगीन पत्तियों के लिए लोग इसे सजावटी पौधे की तरह लगाते हैं। क्रोटन का प्लांट कटिंग के थ्रू बारिश में बड़े आराम से आप ग्रो कर सकते हैं। ढेर सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं, जो भी आपको इजिली मिल जाए उसे आप कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। ये डाइसिनिया का पौधा है। डाइसिनिया के पौधे में भी कलरफुल पत्तियां होती हैं। इसे भी कलरफुल पत्तियों के लिए ही लगाया जाता है। इसको भी आप बड़े आराम से बारिश के महीने में ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो नीचे हार्ड वुड होती है इसको आप कट करके बड़े आराम से लगा दें, किसी भी एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं, बहुत आराम से ये पेड़ लग जाएगा। इसके साथ ही साथ मनी प्लांट अगर आपके गार्डन में आप ऐड करना चाहते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के मनी प्लांट के प्लांट आजकल मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी मनी प्लांट इस समय बड़े आराम से लगा सकते हैं। लगाने का तरीका ये है कि आप एक दो लीफ नोड वाली कटिंग ले लें। बारिश के मौसम में वैसे भी इनके हर लीफ नोड में बड़े आराम से रूट से डेवलप हुई रहती है। आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, एक दो लीफ नोड वाली कटिंग लेनी है, सैंड में लगा देनी, बड़े आराम से लग जाएगा। ये मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है। मैक्सिकन पिटूनिया गर्मी में ढेर सारे फ्लावर्स आपके गार्डन में ऐड करता है। देखने में इसके फूल पिटूनिया की तरह होते हैं, इसीलिए इसे मैक्सिकन पिटूनिया बोलता है। और इसमें ब्लू कलर, पिंक कलर, व्हाइट कलर, ढेर सारे कलर ऑप्शन आते हैं। बड़े आराम से ये प्लांट भी कटिंग के थ्रू ग्रो हो जाएगा। गुलाब का प्लांट तो आप बहुत टाइम से लगाते आ रहे हैं। अगर आपको गुलाब का प्लांट कटिंग के थ्रू लगाना है तो यही सबसे अच्छा मौका है। आप बड़े आराम से इस मौसम में गुलाब के प्लांट को लगा सकते हैं। ये चंपा का प्लांट है। चंपा के प्लांट को भी बड़े आराम से इस मौसम में आप कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। चंपा के ढेर सारी कलर ऑप्शंस आते हैं, वैरिएटेड पत्तियां आती हैं, जो भी कलर आप चाहें उसे ऐड कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि चंपा का प्लांट जब भी लगाएं तो इसकी सारी पत्तियां हटा दें और ब्रांच को कट करने के लगभग 5 से 6 दिन तक उसे बाहर ही रहने दें, उसके बाद ही आप उसे लगाएं। एक बार जो कटिंग एरिया है वो सूख जाए तभी आपको चंपा की कटिंग लगानी है। ये नाग चंपा का पौधा, इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। और पॉट में अगर कोई प्लांट आपको चंपा का चाहिए तो नाग चंपा का प्लांट अपने गार्डन में ऐड करिए। ढेर सारे फूल आते हैं, इसमें फूल चंपा की तरह आते हैं। और इसके पत्तियों का जो शेप होता है वो एक हमारे जो कोबरा सांप होता है उसके फन की तरह होता है, इसीलिए इसे नाग चंपा कहा जाता है। यूफोर्बिया मिली को भी अगर अपने गार्डन में आपको ऐड करना है तो बड़े आराम से इसे ऐड कर सकते हैं। इसकी भी यही प्रॉब्लम है कि इसको जब भी आपको कटिंग के थ्रू लगाना है तो आपको ब्रांच कट कर लेनी है। 2 से 3 दिन तक इस ब्रांच को आप किसी सूखे स्थान पर रख दें। एक बार जो कटिंग पोर्शन है वो सूख जाए उसके बाद बड़े आराम से इसे लगा दें। गुड़हल के प्लांट बहुत सारे कलर ऑप्शन में मिल जाते हैं। जो भी कलर आपको ऐड करना है यही वो सही समय है जब भी आपको अपने गार्डन में गुड़हल का प्लांट ऐड करना है। कलरफुल पत्तों के लिए आप सिंगोनियम के प्लांट को भी अपने गार्डन में इस मौसम में ऐड कर सकते हैं। सिर्फ इतना करना है कि आपको जो इसकी ब्रांच होती है वहां से कट करना है, बड़े आराम से इसको आप लगा सकते हैं। ढेर सारे कलर ऑप्शंस में सिंगोनियम का प्लांट अवेलेबल है। इसकी पत्तियां देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। चमेली का प्लांट खुशबू के लिए लगाया जाता है। अगर आपको अपने गार्डन में ढेर सारी खुशबू चाहिए, लता अनुमा पौधा चाहिए, तो चमेली का प्लांट अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। व्हाइट कलर के फ्लावर्स जब खिलते हैं तो बहुत दूर तक खुशबू जाती है, कटिंग के थ्रू बड़े आराम से लग जाएगा। अगर आपको डेली फ्लावरिंग चाहिए तो चांदनी का प्लांट अपने गार्डन में जरूर ऐड करिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, वेरिएटेड पत्तियां वाली चांदनी, डबल चांदनी, सिंगल चांदनी, कोई भी चांदनी जो कि भी आपको इजली मिल जाए बड़े आराम से लगा दें, बहुत आसानी के साथ इसकी कटिंग लग जाएगी। सावनी का प्लांट देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसमें भी ढेर सारे कलर ऑप्शंस होते हैं, इसे भी कटिंग के थ्रू आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इस प्लांट की खास बात यह है कि पूरे बरसात आपके गार्डन में ढेर सारे फूल बंचेज में ऐड करता रहेगा, ढेर सारे कलर ऑप्शंस के साथ।
बोगनवेलिया की कटिंग लगाना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन बारिश के महीने में अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं बहुत ही आसानी के साथ ये प्लांट भी कटिंग के थ्रू ग्रो जाता है। बहुत सारे कलर ऑप्शंस आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल, महारा वैरायटी के बोगनवेलिया भी इस समय बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। वेरीगेटेड पत्तियों वाली बोगनवेलिया भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ आप अल्मांडा के प्लांट को भी इसी समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अल्मांडा की बुश आती है, अल्मांडा की वाइन आती है, किसी भी तरह का अल्मांडा हो बहुत आराम से इस समय आपके गार्डन में ऐड हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़े बड़े साइज में फ्लावर्स आते हैं, बहुत आराम से ये प्लांट अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं अर्डेनियम को अपने गार्डन में ऐड करना, तो बारिश के महीने में आप इसकी कटिंग को सैंड में लगा दें, बड़े आराम से लग जाएगा। बस चंपा की तरह इसे भी आप 4 से 5 दिन बाहर रख दें, उसके बाद इसकी कटिंग को आप लगा दें। अगर आप चाहते हैं मेहंदी के प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना, तो मेहंदी के प्लांट वही प्लांट जिससे आप अपने हाथ को रंग सकते हैं, बालों में नेचुरल मेहंदी लगा सकते हैं, इस प्लांट को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो बारिश का मौसम बहुत सही है इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना। अगर आप बोनसाई बनाना चाहते हैं, अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड करना चाहते हैं, तो फाइकस के प्लांट को इस समय अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। फाइकस के प्लांट में तो वैसे भी ब्रांचेज में रूट्स निकलती रहती है, तो बड़े आराम से इस प्लांट को भी अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। कलरफुल पत्तियों के लिए यूफोर्बिया को भी इसमें अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। इसमें भी ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, जो भी आपको इजीली मिल जाए उसकी कटिंग आप अपने गार्डन में ला के लगा दीजिए, बहुत आसानी के साथ लग जाता है। विनका को भी इस समय आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। विनका की व्हाइट और पिंक कलर की जो देसी वैरायटियां आती हैं, कटिंग के थ्रू बड़े आराम से ये प्लांट भी लग जाया करता है। इस प्लांट की खास बात यह है कि इसके 2 से 3 पत्तों को अगर आप डेली चबाते हैं, तो अगर शुगर कोई पेशेंट आपके घर पे है, बहुत आसानी के साथ आपका शुगर मेंटेन रहेगा, शुगर लेवल जो है वो आपका कंट्रोल में रहेगा। और खास बात यह है इसमें आपको डेली फूल मिलता है। इस प्लांट का नाम ही सदाबहार है, क्योंकि इस प्लांट में साल भर आपको ढेर सारे फूल देखने को मिलते रहेंगे। ये प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट है, कलरफुल पत्तियां होती हैं इसमें भी। कलरफुल पत्तियों के लिए इस प्लांट को अपने गार्डन में आप जरूर ऐड करिए। जेट का प्लांट है, बोनसाई बनाने के लिए काफी हार्डी प्लांट होता है ये। इसमें मोटी मोटी सी पत्तियां, तो देखने में काफी खूबसूरत होता है। कटिंग के थ्रू आप इस महीने में बड़े आराम से जेट को लगा सकते हैं। आप छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी कटिंग लगा दें जेट की, बड़े आराम से लग जाया करती है। ये जीजी का प्लांट है, ये प्लांट देखने में काफी खूबसूरत होता है। इसकी पत्तियों को बड़े आराम से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। करना बस आपको इतना है, इसकी पत्तियों को तोड़ लेना है, तोड़ करके आपको सैंड में दबा देना है। कुछ दिनों के बाद इसमें रूट्स डेवलप होगी, प्लांट डेवलप हो जाएगा, और कुछ ही समय के बाद आपके गार्डन में ढेर सारे खूबसूरत खूबसूरत जीजी के प्लांट ऐड हो जाएंगे। ये छिपकली वाइन का प्लांट है। इसका नाम छिपकली वाइन इसलिए कि ये छिपकली की तरह दीवारों पर चढ़ जाता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, आपके गार्डन को काफी अच्छा लुक देता है। अगर दीवार पे चिपकाते हैं तो काफी अच्छा देखने में लगता है। इसमें वेरीगेटेड पत्तियां भी आती हैं कुछ वैरायटी में, तो बड़े आराम से इसको आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। इसके ब्रांचेस में इस मौसम में वैसे ही ढेर सारी रूट्स डेवलप होती रहती है। ये कनेर का प्लांट है। कनेर में भी ढेर सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं आपको। ढेर सारे कलर ऑप्शंस के साथ ये प्लांट आपके गार्डन में ढेर सारी खूबसूरती ऐड करता है। बड़े आराम से इस प्लांट को भी आप कटिंग के थ्रू इस महीने में लगा सकते हैं। ये बेला का प्लांट है। अगर अपने गार्डन में आप चाहते हैं ढेर सारी खुशबू ऐड करना, तो बेला का प्लांट इस समय अपने गार्डन में आप जरूर ऐड करिए। इसमें रनर्स निकलते हैं, उससे भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी आती है, जो उसे भी बड़े आराम से इसको ब्रांच की कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ठंडियों में ढेर सारी गुलदाउदी को अपने गार्डन में ऐड करना, ढेर सारी खूबसूरती ऐड करना, तो गुलदाउदी को भी इस समय आप कटिंग के थ्रू बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। ऊपर की आपको ब्रांचेस लेनी है, सैंड में दबा देना है, बहुत आसानी के साथ ये प्लांट आपके गार्डन में ग्रो हो जाएगा। ढेर सारे कलर ऑप्शंस मिलते हैं, ढेर सारे साइजेस मिलते हैं। जिस भी कलर ऑप्शंस के, जिस भी साइज का आपको गुलदाउदी मिलता है, अपने गार्डन में जरूर ऐड करिए। ये आपके गार्डन में एज अ एयर प्योरीफायर भी काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि रात में ढेर सारी भीनी भीनी सी खुशबू आपके पूरे गार्डन में फैल जाए, तो रात रानी की कटिंग लगाना इस महीने में आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रात रानी का प्लांट आपको रात के टाइम पे बहुत भीनी भीनी सी खुशबू पूरे गार्डन में फैल जाएगी, कटिंग के थ्रू इस महीने बड़े आराम से लग जाएगी। लास्ट में ये बोनस प्लांट है, ये अंजीर का पौधा है। ये फ्रूटिंग प्लांट है, इसको भी अपने गार्डन में आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। कटिंग के थ्रू बहुत आसानी के साथ लग जाएगा। ढेर सारे अंजीर आपको खाने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है इस प्लांट की। अपने गार्डन में इस पौधे को भी आप कटिंग के थ्रू इस मौसम में बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।